नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बाल विकास के सिद्धांत टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बाल विकास के, जितने भी सिद्धांत हैं वो सब कुछ इस एक ही वीडियो में हम देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप घर बैठे छात्रा और शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका कंप्लीट पैकेज आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इसमें आपको सारा सिलेबस सिर्फ 1199 रुपये में मिलेगा। अभी प्राइस ड्रॉप हुआ है और ये जो ऑफर है लिमिटेड छात्रों के लिए है। तो अगर आपको इस प्राइस में क्लास चाहिए तो जल्दी से जल्दी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको हॉस्टल वार्डन कम्प्लीट पैकेज दिखेगा, उसको आपको जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पर बाय का बटन दिखेगा, उस पर आप जाकर बाय नाउ कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है बाल विकास के सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, होता क्या है, बाल विकास के बहुत सारी अवस्थाएं हमने पढ़ी है, जैसे कि आपका शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, आपका किशोरावस्था हो गया। तो जब बालक एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है, और उसी परिवर्तन का अध्ययन करके बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। इसी को ही बाल विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, जब बालक का विकास होता है और एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बालक प्रवेश करता है तब हम उसमें क्या देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं। और अध्ययनों ने सिद्ध किया है कि ये जो परिवर्तन होता है वो निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होता है, या यूं कहें इसी परिवर्तन को देखते हुए उसका अध्ययन करके सिद्धांत दिया गया है। इसको बाल विकास का सिद्धांत कहा जाता है। बाल विकास के लगभग 11 सिद्धांत है, ये सब कुछ आज हम देखेंगे। तो पहला सिद्धांत हम पढ़ते हैं, पहला सिद्धांत का नाम है निरंतरता का सिद्धांत। अगर आप शब्दों को याद रखेंगे, सिद्धांत के नाम को याद रखेंगे, तो उसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। देखिए, निरंतरता का मतलब क्या होता है, निरंतरता का मतलब होता है निरंतर गति से चलता हुआ या फिर बिना रुके आगे बढ़ता हुआ। इसी में आपका इसका अर्थ मिल जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार जो वृद्धि होता है मानव में और जो विकास होता है, तो जो वृद्धि और विकास होता है मानव में या फिर बालकों में, जैसे भी आप कह लो, ये जो प्रक्रिया होती है वो बिना रुके निरंतर गति से चलती रहती है। यही है निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, गति क्या है, कभी तेज हो सकती है, जैसे कि शैशवावस्था में जो वृद्धि होता है वो बहुत फास्ट होता है। गति कभी मंद भी हो सकती है, जैसे बाल्यावस्था में थोड़ा सा धीमा हो जाता है, फिर किशोरावस्था में फिर फास्ट हो जाता है, लेकिन गति कभी रुकती नहीं है ना। हो सकता है कि गति बढ़ेगी, कम हो जाएगी, लेकिन रुकेगी नहीं, है ना, ये आपको याद रखना है। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, वृद्धि और विकास निरंतर बढ़ते रहती है। अब अगला है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विभिन्न गति, ये आप शब्द याद रखेंगे, और इसको दिया किसने, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो डगलस और हॉलैंड नाम के विद्वानों ने इसको दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है, अर्थात अलग अलग व्यक्तियों के जो विकास है उसमें विभिन्नता देखी जा सकती है। जैसे कि जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा पैदा होता है वो आजीवन देखेंगे कि लंबा ही रहेगा, जो जन्म के समय थोड़ा छोटा पैदा होगा या फिर उसमें कुछ ना कुछ जैसे वो एकदम दुबला पतला रहेगा, तो देखने को ये मिलता है कि वो बढ़ जो जब उसका ग्रोथ होगा तो वो वैसा ही होगा। तो ये भिन्नता जो है वो अलग अलग व्यक्तियों में इस तरीके के देखने को मिलता है। यही हो जाता है आपका विभिन्न गति का सिद्धांत। ठीक है, फिर अगला है विकास क्रम का सिद्धांत। हमने पहले विकास की निरंतरता का सिद्धांत देखा, विभिन्न गति, अभी हम देख रहे हैं क्रम का सिद्धांत। तो क्रम का सिद्धांत में क्या याद रखेंगे, जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। याद रखेंगे, बालकों का विकास चाहे वो गामक अर्थात गत्यात्मक हो या फिर भाषा संबंधी विकास हो, वो एक निश्चित क्रम में होगा। ऐसा नहीं कि बालक जो है 1 साल की उम्र में दौड़ना सीख जाए, 1 साल की उम्र में पूरा बोलना सीख जाए, ऐसा नहीं होता है ना। एक क्रम में वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, यही विकास के क्रम का सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि जन्म के समय वो केवल रोना जानता है, फिर 3 महीने का हो जाएगा तो वो कुछ प्रकार की आवाज़ निकाल पाएगा, 6 महीने का हो जाएगा तो आनंद की ध्वनि करने लगेगा, 7 महीने का हो जाएगा तो अपने माता पिता को मम्मी पापा आदि शब्दों को वो बोलने की कोशिश करेगा, माँ पा दा ऐसा करके, है ना। तो ये जो क्रम है विकास का वो एक एक करके बच्चा सीखता है, इसी को विकास क्रम का सिद्धांत कहा जाता है। फिर अगला है विकास दिशा का सिद्धांत। विकास किस दिशा में होता है उसको बताया जाता है इस सिद्धांत के अनुसार। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है कि विकास जो है
सिर से लेकर पैर की ओर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। जो बच्चों का विकास होता है वो कैसे याद रखेंगे, सर से लेकर पैर तक, विकास की जो दिशा है सर से लेकर पैर तक होता है, और इसे मस्ताधोमुखी विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। मस्ताधोमुखी विकास का अर्थ ये है कि पहले बालक के मस्तिष्क का विकास होगा, फिर भुजाओं का और अन्य इंद्रियों का। तो सर से लेकर पैर की ओर विकास होता है, इसलिए इसको मस्ताधोमुखी सिद्धांत भी कहा जाता है। बाल विकास के दिशा के सिद्धांत के अनुसार पहले बालक सिर हिलाना सीखता है, फिर पैर, हाथ पैर ये सब चलाना सीखेगा। तो जो भी एक्टिविटी होगा वो सर की ओर पहले होगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सर से पैर की ओर विकास होता है। एक और विद्वान थे, इनका नाम था कुप्पू स्वामी। कुप्पू स्वामी के अनुसार विकास की दिशा के दो क्रम इन्होंने बताए। पहला तो मस्ताधोमुखी है ही, इसमें हम ये देखते हैं कि विकास जो है सिर से लेकर पैर की ओर होता है, ये हमने देखा है ना। एक और क्रम है जिसको हम कहते हैं सामीप्यता का क्रम। इसके हिसाब से विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र मतलब ये बीचों बीच, ये रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा हो गया है ना। तो ये जो सामीप्यता का क्रम क्या कहता है कि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर भुजाओं का, कलाइयों का, उसके बाद धीरे धीरे उंगलियों का। तो जो विकास होगा वो आपका केंद्र से बाहर होता हुआ विकास होगा। और मस्ताधोमुखी विकास के क्रम में आपको क्या रखना है, मस्तक से मतलब सर से लेकर पैर, ठीक है। तो ये दो तरीके के विकास के दिशाओं को आपको याद रखना है। फिर अगला, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसे समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग चलाना सीखता है, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है, तथा अंत में सभी का एकीकरण करता है। जो बालक होता है वो पहले क्या करता है, पूरे बॉडी को चलाना सीखेगा, उसके बाद वो विभिन्न भागों को, जैसे वो पहले पूरे अपने शरीर को हिलाएगा, उसके बाद वो अपने हाथों को हिलाना सीखेगा, उसके बाद वो इन उंगलियों का हिलाना सीखेगा, फिर लास्ट में उस सब का एकीकरण मतलब सबको कंट्रोल करना सीखेगा, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ के अंगुलियों को, ये दो बार टाइप हो गया, तो एक साथ ये चलाना सीखेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बालक के आगे एक खिलौना रख दिया जाता है, जैसे कि ये खिलौना हमने बालक के आगे रखा है और वह थोड़ा दूर है, तो वह उसे अपने पूरे शरीर को हिलाकर घसीटता हुए खिलौनों तक पहुंचेगा, है ना। ये घसीटते हुए खिलौनों तक पहुंचेगा, फिर हाथ का इस्तेमाल करके उसे छूने की कोशिश करेगा, अपना हाथ का इस्तेमाल करके इसको छूने की कोशिश करेगा, तथा अंत में दोनों क्रियाओं को जोड़कर वह खिलौने को हाथ में ले लेता है। इसे ही एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में मैं समझाऊं तो पहले वो पूरे बॉडी को अपने कंट्रोल करता है, उसके बाद उसके बॉडी के पार्ट्स को, उसके बाद उसके पार्ट्स के अंदर भी जो पार्ट्स हैं ना, जैसे कि बॉडी, उसके बाद हाथ, उसके बाद हाथ की उंगलियों, ऐसे कंट्रोल करते सीखते जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो सब में कंट्रोल करना सीखेगा। यही को कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। फिर अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, बालकों के जितने भी ग्रोथ होते हैं, जितने भी विकास होते हैं, उसमें परस्पर संबंध होता है। जैसे कि जब बालकों के शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, तब उसके मस्तिष्क संबंधी विकास, भाषा संबंधी विकास भी होता है। मैं इसको और सरल शब्द में समझा देता हूँ। जो भी विकास होता है उसमें परस्पर संबंध होता है। जैसे कि बालक जो है वो धीरे धीरे, इसका शारीरिक विकास हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, तो इसका मस्तिष्क का भी विकास धीरे धीरे होगा, है ना। मतलब इसका मानसिक विकास भी होगा और धीरे धीरे ये बोलना भी सीख जाएगा। तो जो भी विकास है वो उसमें परस्पर संबंध होता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बढ़ता जा रहा है और उसका बुद्धि जो है उसका विकास नहीं हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि वो उसका जो है बढ़ रहा है, दिमाग भी ठीक चल रहा है, लेकिन बिल्कुल बोल भी नहीं पा रहा है। सारा विकास जो होता है वो उसमें परस्पर संबंध होता है। फिर अगला है व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है, और इस स्वरूप में व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे अगर आप हम देखेंगे,
एक ही आयु के दो बालक या फिर बालिकाओं को देखेंगे। इसमें आप याद रखेंगे व्यक्तिक विभिन्नता, मतलब हर व्यक्ति अपने आप में अलग दिखेगा और थोड़ा सा भिन्न रहेगा। यही होता है आपका व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। सपोज ये सारे जो बच्चे हैं, हम देख सोचते हैं कि 6 साल के बच्चे हैं। अब 6 साल के बच्चे में आप देखेंगे कि कोई जो बच्चा है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा, कोई बच्चा जो है छोटा रहेगा, कोई बच्चा थोड़ा सा पतला है, कोई बच्चा थोड़ा सा मोटा है। तो हम क्या देख रहे हैं, इनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो भिन्नताएं हैं उसको हम देख पा रहे हैं, और विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तिकता के अनुरूप होती है। मतलब हर व्यक्ति का जो विकास है उसमें भिन्नता देखने को मिलता है, चाहे वो एक ही उम्र के ही क्यों ना हो। यही कहलाता है व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। फिर अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। यह बालक बाल विकास का सिद्धांत हरलॉक ने दिया था, ठीक है। समान प्रतिमान का सिद्धांत हरलॉक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रकार की जाति विशेष का विकास एक समान क्रम में ही होता है। एक प्रकार की जाति विशेष मतलब जैसे कि अगर मनुष्य जाति का कोई व्यक्ति है ना, तो उसका विकास एक क्रम में होगा, ठीक है। अगर किसी का विकास, ऐसे हमने देखा कि विकास की दिशा सर से पैर तक होता है, तो वो इंडिया में भी सर से पैर तक ही विकास होगा, अफ्रीका में भी वही विकास देखने को मिलेगा। जैसे जानवरों का एक विकास, जो विकास आपका भारत में हो रहा है वही विकास अमेरिका में देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। उदाहरण के तौर पर एक बालक भारत का है तथा दूसरा बालक अफ्रीका का है, क्योंकि दोनों की जाति समान है। तो अगर जाति समान है तो जो विकास का क्रम होगा, है ना, विकास का क्रम वो समान ही रहता है। तो आपको याद रखना है समान प्रतिमान का सिद्धांत हरलॉक ने दिया है, और ये हरलॉक ये कहते हैं कि अगर समान जाति के हैं तो जो विकास का क्रम होगा वो एक समान ही होगा, चाहे वो किसी भी जगह पे रहकर उसका विकास हो। फिर अगला है सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इसमें क्या है, जो सामान्य गुण हैं वो पहले बच्चा सीखता है, उसके बाद वो विशिष्ट प्रक्रियाओं को सीखता है, ये कहा गया है ना। इस बाल सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर जाकर वो विशिष्ट क्रियाएं करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे बच्चा डायरेक्ट दौड़ना नहीं सीखता, दौड़ना एक विशिष्ट प्रक्रिया हो जाता है। बालक सीधे दौड़ना नहीं सीखता, पहले वह उठना सीखेगा धीरे से, है ना, बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, तब जाकर वो दौड़ना प्रारंभ करेगा। तो ये जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं समान से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, है ना। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, समान व विशिष्ट नहीं है, समान से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत है। फिर अगला है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकास का सिद्धांत जो है वंशानुक्रम पर आधारित होता है या फिर वातावरण पर आधारित होता है। तो आपको याद रखना कि दोनों पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास केवल वंशानुक्रम से नहीं होता और न ही केवल वातावरण से होता है, बल्कि बालक का विकास क्रम वातावरण एवं वंशानुक्रम इन दोनों के अंतःक्रिया से होता है। मतलब दोनों जरूरी हैं। जैसे बालक के जो अनुवांशिकता होंगे उसके हिसाब से तो विकास होगा ही, लेकिन उसके आसपास के जो वातावरण होगा उसके हिसाब से भी वो विकास करेगा, और विकास के लिए दोनों जरूरी है। इस सिद्धांत के अनुसार वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के गुणनफल होते हैं। तो आपको इसमें बस ये याद रखना है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों जरूरी है विकास के लिए। फिर अगला है आपका चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास लंबवत ना होकर चक्राकार होता है, ठीक है। चक्राकार मतलब विकास कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विकास है। अब यहाँ से विकास आरंभ हुआ तो विकास सीधे ऐसा स्ट्रेट या फिर लंबवत नहीं हो रहा है, ये चक्राकार होता है। होता क्या है, विकास बालक का जो होता है तो वो पीछे मुड़कर अपने विकास जो स्थायी नहीं थे या फिर जो विकास वो नहीं कर पाया उसको पीछे मुड़कर फिर वो करने का प्रयास करता है, और फिर जाकर वो विकास करता है, ठीक है। तो पीछे मुड़कर पहले के विकास को स्थायी बनाने का प्रयास करता है, फिर वो विकास को आगे बढ़ाता है। इसलिए विकास को
लंबवत न कहकर चक्राकार या फिर वर्तुलाकार बताया गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि विकास लंबवत होता है या फिर नहीं होता, या फिर निम्न में से विकास की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, लंबवत, चक्राकार, ऐसे आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको क्या याद रखना है, विकास की प्रक्रिया चक्राकार होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और इससे आगे के जो वीडियो है उसके लिए आपको पेड क्लास ज्वाइन करना होगा जो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़ जाएगा, फेसबुक पेज भी हमारा उसको आप लाइक कर दीजिएगा, और हम इंस्टाग्राम पर भी है तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।